सो है गाइस, इट्स मी ज़िबल, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस एंड ब्लॉग। सो अभी रात के हो रहे हैं 12:18 और अभी इस टाइम मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। आज की टॉपिक ये होगा कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बहुत कुछ कमेंट किया था, उनमें से मैंने कुछ ही कमेंट मैंने पिक किया और वीडियो के जो जो कमेंट्स है वो मैं जितना मेरे से हो सके मैं रिप्लाई टोटली दूंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और कुछ कमेंट्स मैंने पिक किए तो इम्पोर्टेंट कमेंट है तो वो भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। तो फर्स्ट कमेंट ये है कि नाइमुल अहमद, कैमरा ले लो भाई, मोबाइल दिया और कतो सलाइता है, पब्लिक प्लेस को ब्लॉक करते मानुष हसीबा। तो भाई ने बंगाली कमेंट किया तो मैं भाई से हिंदी में रिप्लाई करता हूँ, भाई बहुत जल्द कैमरा आ जाएगा बस, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहे, बहुत जल्द कैमरा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आप लोग को भी और भी अच्छा कॉन्टेंट और भी अच्छा सब कुछ मिलता रहेगा। अभी नेक्स्ट कॉमेंट है लेट्स जाम प्रो, भाई ने कमेंट किया गुड वन बडी, वेरी इंस्पायरिंग, कीप प्रोनिंग मोर एंड ज्वाइन मी फॉर टाइम वर्कआउट प्लान्स, गुड डे एंड गुड लक। भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया और इस भाई के लिए मैं बोलना चाहूंगा भाई और सपोर्ट करो, अभी तो मेरा चैनल बस स्टार्ट ही हुआ है, आप लोग मुझे बहुत भरपूर प्यार दे रहे हैं और भी बहुत प्यार दीजिए तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, और मुझे विश करने के लिए थैंक यू सो मच। और एक भाई ने मोहम्मद हानी राज बोल के उस भाई ने कमेंट किया कि करीमगंज सेकंड हैंड कार शोरूम का वीडियो बनाओ। भाई वो शोरूम कहाँ पे है एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैं करीमगंज से हूँ लेकिन मुझे नहीं पता वो शोरूम कहाँ पे, तो मैं पहले वो शोरूम के बारे में पता लगा लेता हूँ फिर एक वीडियो जरूर आएगा। एल्टोराडो वंटाई भाई नेपाल से है और उन्होंने मुझे पूछा कि भाई पल्सर 150 VS6 सिंगल डिक्स बाइक कैसा है और माइलेज कितना देता है। भाई मैंने जितना यूज किया है बाइक को, बाइक बहुत अच्छा है, बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है और बाइक की माइलेज बहुत अच्छा देता है, अराउंड 40-45 ऐसा माइलेज दे देता है। आप अगर इस बाइक में जाना चाहते हैं तो 150 पल्सर में जाना चाहते हैं तो आप लोग आराम से जा सकते हैं, और खास करके आपको मन है वो बाइक लेने का आग बन करके वो बाइक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक बहुत अच्छा है। रावल आकाश भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है, अपाची 160 VS6 लो की पल्सर 150 20 VS6 कौन सी अच्छी रहेगी ब्रदर। तो भाई मैं दोनों बाइक की अच्छा है, बहुत अच्छा है, अभी आपकी माइंडसेट के ऊपर है कौन सा लेना है आपको और कौन सा नहीं लेना है, दोनों बाइक बेटर है, बहुत अच्छा है, दोनों बाइक की माइलेज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मैंने दोनों बाइक भी यूज किया है, दोनों बाइक में कोई अंतर नहीं दिखा मुझे, दोनों बाइक सेम है, आप जिसमें जा सकते जा सकते, दोनों बाइक परफेक्ट है। तो भाई मन तो हर किसी का कमेंट की रिप्लाई करने का था लेकिन उनमें से मैंने कुछ ही कमेंट उठाए और लोगों का मैं जितना है हो सके हेल्प कर रहा हूँ और उन लोगों का रिप्लाई दे रहा हूँ, और इनमें से लास्ट कमेंट ये है कि भाई ने किया है SNR रोंगलोंग भाई ने किया है 220F प्राइस इन करीमगंज प्लीज सर शेयर इट। तो भाई मुझे पहले का पता था लेकिन अभी क्या पूरा खास पता नहीं है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने बोला था एक वीडियो में कि मैं शोरूम विजिट करूंगा, तो शोरूम विजिट नेक्स्ट वीडियो आई होप शोरूम विजिट करने का आएगा, अगर शोरूम विजिट करूंगा तो आप लोगों को सारे डिटेल पता चल जाएगा, डोमिनर से लेके एकदम प्लाटिना तक सबका पूरा डिटेल वीडियो में बनाऊंगा किसका क्या प्राइस है अभी के टाइम, क्योंकि कोविड के बाद बहुत ही प्राइस हाई हो गया बाइक के इलेक्ट्रॉनिक चीज के, तो मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए एक बना दूंगा। सबका तो सवाल जवाब हो गया, क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया लेकिन मेरा एक खुद का क्वेश्चन है, मेरा मुझे बहुत सारों ने क्वेश्चन ये किया है कि भाई तुझे इतना अच्छा हिंदी नहीं आता, तू एक बंगाली लड़का है, एक सिलेटी लड़का है, तो तू हिंदी क्यों यूज करता है वीडियो में। भाई जिन्होंने मुझे वो क्वेश्चन किया था उन लोगों का डायरेक्ट मैं अपने अंदर से रिप्लाई दे रहा हूँ कि भाई मुझे हिंदी में ब्लॉग करना अच्छा लगता है, कि मेरे यहाँ पे मेरे एरिया के जो भी जगह है मैं उन लोगों को सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या मेरे स्टेट के अंदर रखना नहीं चाहता हूँ, पूरा इंडिया तक जहां तक के मुझे हिंदी समझ में आता है जिन लोगों को भी, वहां तक हमारे आसाम के हमारे करीमगंज हमारे बराकबेली को मैं दिखाना चाहता हूँ, सब लोगों को सब कुछ हर एक डिटेल्स में दिखाना चाहता हूँ कि मेरे करीमगंज में ये है मेरे बराकबेली में ये, तो इसलिए मुझे लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कैसे भी लैंग्वेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ मेरे यहाँ के समझने से हो गया। भाई आप लोग लैंग्वेज समझ रही है, आप लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, तो
आज की ब्लॉग और आज की ये क्वेश्चन आंसर की सब कुछ सवाल जवाब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि रात 12:30 से 1 बज ऐसा बज चुका है, सब लोग सो गए हैं। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस। बूम, कड़क है बॉस।